अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। कभी आपने सोचा कि अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका हकीकी मतलब क्या है? आए आज हम आपको उसका हकीकी मतलब समझाते हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं वो एक आम आदमी के हजम के मुकाबले में 20 अरब खरब गुना बड़ी है, जबकि हमारा सूरज हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है। इसके मुकाबले में ईटा कॉरिनाई नामी मशहूर सितारा हमारे सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद बीटलजूस नामी सितारे का नंबर आता है जो हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। और फिर वी वाई कैनिस मेजोरिस नामी सितारे की बड़ाई का तो क्या ही कहना, ये सितारा हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। क्या आपको मालूम है कि जिस कहकशां में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, और हमारी सिर्फ इस एक कहकशां में हमारे सूरज जैसे 300 अरब से ज्यादा सूरज मौजूद हैं। और ये कहकशां इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज में सवार हों जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती हो, यानी 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगाने वाला हो, तो इसको भी हमारी कहकशां को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। अंदाजा हुआ ना कि हमारी कहकशां कितनी बड़ी है? लेकिन नहीं, आए हम आपको अपनी पड़ोसी कहकशां में लिए चलते हैं जिसका नाम एंड्रोमेडा है। वो हमारी कहकशां से 2 गुनी है, यानी 2 लाख नूरी साल वसी और रीस है। लेकिन ये भी छोटी है, M81 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 60 गुना बड़ी है, जबकि IC1011 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 600 गुना बड़ी है। अब समझ आ रहा है ना अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय, अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जैसे सितारों से कहकशाएं बनती हैं, आपको मालूम है कि इसी तरह कहकशाओं से क्लस्टर बनते हैं, और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशां वाकई है उसका नाम विर्गो क्लस्टर है, और सिर्फ इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। और मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ, क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है, और इस सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर हैं, और इस सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हमारी कायनात में मौजूद हैं, जो एक अजीम जाल में मामूली नुक्तों की मानिंद नजर आते हैं। और इन सब को सिर्फ एक जात यानी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अंदाजा हुआ कि अल्लाह कितना बड़ा है? यही वो किबरियाई है जिसको कुरान सूरे जुमर में यूं बयान करता है, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना की जैसी उसकी कदर करने का हक था। उसकी बड़ाई का ये हाल है कि कयामत के दिन जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे होंगे। ये है अल्लाह अकबर का सही मतलब, और यही वो अजीम जुमला है जिसको सुनने और समझ लेने के बाद सिवाय इंतहाई मुतकब्बिर के हर एक शख्स का सर सजदे में चला जाता है। अल्लाह, अल्लाह।